हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि जिन लोगों को धड़कन की शिकायत रहती है, जिनकी धड़कन है वो बढ़ जाती है, कभी उनकी धड़कन है वो 80, 90, 100, 110, 120, 130 से 140 तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा डर लगता है कि कहीं अभी मर तो नहीं जाएंगे, कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। इतनी ज़्यादा घबराहट उनको होती है। अगर ये घबराहट आपको होती है तो हम क्या करें? आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपकी धड़कन को एकदम शांत कर देगा, मतलब आपकी जो नॉर्मल है, शांत करने का मतलब जीरो नहीं, नॉर्मल कर देगा। जो भी हमारी धड़कन नॉर्मल होती है, नॉर्मल कर देगा, हमारी घबराहट को कम कर देगा। बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट कि आपने अगर पहले कोई अपने हार्ट की कोई जांच करवा रखी है, जैसे आपने ECG इको या ट्रॉप वगैरह कुछ भी करवा रखा है, या रिसेंटली आपने ECG करवा रखी है और वो एकदम नॉर्मल है, उसके बावजूद अगर आपकी ये धड़कन बढ़ रही है, तो ये धड़कन जो है वो आपके एंजाइटी से रिलेटेड है। धड़कन का बढ़ना कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जो एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ब्लड का जो सप्लाई है वो तेज होता है और हार्ट को तेज गति से पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है। तो ये जो धड़कन बढ़ती है, जब आपकी जांच नॉर्मल है उसके बावजूद अगर आपकी धड़कन बढ़ रही है, तो ये किसकी वजह से बढ़ रही है? आपके एंजाइटी की वजह से बढ़ रही है। सेकेंड पॉइंट कि ये जो धड़कन है वो लगातार बढ़ी हुई रहती है, कभी कभी बढ़ती है? सर, ये धड़कन है वो लगातार तो नहीं बढ़ती, ये कभी कभी बीच बीच में बढ़ती है और अचानक बढ़ती है, फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाती है। अगर ऐसा पैटर्न है कि धड़कन बढ़ती है और उसके बाद में नॉर्मल हो जाती है, तो ये पूरा पूरा जो पैटर्न है वो किससे रिलेटेड है? एंजाइटी से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, तनाव से रिलेटेड है, डर से रिलेटेड है। अच्छा, तीसरा पॉइंट कि ये जो धड़कन है, आप जब बिजी होते हो उस समय बढ़ती है या जब खाली होते तब बढ़ती है? नहीं सर, जब मैं बिजी होता हूँ ना तब तो धड़कन एकदम नॉर्मल रहती है, उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। हाँ, खाली होता हूँ ना सर, उस समय धड़कन तेज हो जाती है, मुझे धड़कन सुनाई देने लग जाती है। अगर इस तरह का है कि आप बिजी होते हो तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देता, उस समय आपकी धड़कन एकदम नॉर्मल रहती है, लेकिन जब आप खाली होते हो उस समय धड़कन बढ़ती है, तो ये भी आपके एंजाइटी से रिलेटेड है। अच्छा, कोई नेगेटिव बात सुन लेते हो उस समय धड़कन बढ़ती है, ऐसी बढ़ जाती? नहीं सर, कोई नेगेटिव बात सुन लेता हूँ, स्ट्रेस की बात सुन लेता हूँ, किसी की डेथ की बात सुन लेता हूँ, कोरोना की बात सुन लेता हूँ, कैंसर की बात सुन लेता हूँ, हार्ट अटैक की बात सुन लेता हूँ, किसी के मरने की बात सुन लेता हूँ, तो उस समय मेरी ये धड़कन है वो बढ़ जाती है। या कोई पास्ट का कोई नेगेटिव थॉट है वो जब दिमाग में आ जाता है, या फ्यूचर की कोई नेगेटिव कैलकुलेशन दिमाग में आ जाती है, उसके बाद ये धड़कन बढ़ती है। अगर उसके बाद ये धड़कन बढ़ती है, अन्यथा ठीक रहता है, ऐसा नॉर्मल रहता है, उसके बाद अगर ये धड़कन बढ़ती है, तो ये धड़कन का जो बढ़ना है ये एंजाइटी की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, फियर की वजह से है, टेंशन की वजह से है। तो ये जो धड़कन का बढ़ना है ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप बिजी रहते हैं उस समय नॉर्मल रहते हैं, कुछ सुनते हैं, तब इसका आपकी धड़कन का बढ़ना होता है, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और आपकी जांचें सारी नॉर्मल है। तो ये जो धड़कन का बढ़ना है ये एंजाइटी से रिलेटेड है, डर से रिलेटेड है। तो अच्छा, इस दरमियान क्या करना चाहिए? अगर मेरी धड़कन अचानक बढ़ती है तो मैं क्या करूं? दोस्तों, अगर आपकी इस तरह की धड़कन बढ़ती है तो सबसे पहला तो मन में ये डर आता है कि सर इससे कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है ना, इससे सच में कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? दोस्तों, ये हार्ट की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से है। जैसे एक पानी की मोटर होती है, वो बिजली के तार से कनेक्टेड होती है, बिजली के स्विच से कनेक्टेड होती है, जैसे ही उस तार के अंदर बिजली का करंट बढ़ता है तो मोटर तेज गति से काम करने लगती है। अच्छा, मोटर की स्पीड बढ़ गई, तो मोटर की स्पीड बढ़ गई किसकी वजह से बढ़ी है? ये करंट ज्यादा आने की वजह से बढ़ी, ना कि मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। उसी तरह से हमारे हार्ट को जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, उसके अंदर कई बार एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से धड़कन हमारी तेज हो जाती है, धड़कन हमारी बढ़ जाती है। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एंजाइटी की वजह से है, ये स्ट्रेस की वजह से है। तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होना, इससे हार्ट अटैक तो नहीं आना? जिससे हार्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं आना, आपका हार्ट एकदम फिट है, एकदम स्वस्थ है, आपको निकट भविष्य में ऐसे हार्ट अटैक आने की कोई संभावना नहीं है। तो सर हम क्या करें? चलिए, हमें यह तो समझ में आ गया कि यह धड़कन का बढ़ना एंजाइटी की वजह से है और इससे हमारी डेथ नहीं होनी, हम मरने नहीं वाले, तो हम क्या करें? दोस्तों, उस समय ये जो धड़कन बढ़ती है सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन की वजह से होता है, और सिंपैथेटिक का जस्ट अपोजिट होता है पैरासिंपैथेटिक। तो हम कुछ ऐसा करें जो हमारी पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे। अच्छा, पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम जो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप उस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज को यूज करें। आराम से खड़े हैं तो खड़े खड़े करिए, बैठ सकते हैं तो बैठ के करिए, लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे आप आराम से इसको कर सकते हैं। आराम से रिलैक्स हुई, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए, सांस को रोकिए, मन ही मन पांच तक काउंट करिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने सांस को छोड़िए। और जब आप सांस को छोड़ते हैं तो उस समय अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए कि मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है,
मेरे सकारात्मक विचार मेरे हृदय को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ये जो प्रैक्टिस है आप 10 से 15 मिनट कीजिए, आपकी धड़कन एकदम सामान्य हो जाएगी, आपकी घबराहट एकदम कम हो जाएगी, आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा। जो यहाँ पे जो भार फील हो रहा था ना आपको, जो वजन महसूस हो रहा था, वो वजन आपका एकदम कम हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।